जब 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में जमा होंगे तब हुक्मरानों को सब मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जब आवाम का समंदर दारुल हुकूमत में दाखिल हो जाएगा सबको पता चल जाएगा कि कौम कहाँ खड़ी है। हमारा एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। 20 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जमा होंगे तो उनको कोई इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। हम सिर्फ एक चीज पे रुकेंगे, इलेक्शंस। बोल न्यूज को इंटरव्यू देते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था, बड़ी तादाद में लोगों को देखकर हुक्मरान डरे हुए हैं। अगर इस्लामाबाद पहुंचकर भी इलेक्शन के लिए नहीं माने तो हमारी ये तहरीक रुकने वाली नहीं, चलती रहेगी। जब तक इलेक्शन के लिए राजी नहीं हो जाते पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा और ये हमारा हक है। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा तो ये रुकेगी नहीं, ये तहरीक चलती जाएगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा, 25 मई को हमें मालूम नहीं था राणा सनाउल्ला एक पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करेगा, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। इस बार राणा सनाउल्ला को मौका ही नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता था कि राणा सनाउल्ला एक पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करेगा, इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा इस बार। कप्तान का कहना था, आवाम, मीडिया और अदलिया जानती है कि राणा सनाउल्ला झूठा शख्स है, वो जो भी इल्जाम लगाएंगे इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर वन। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।